दोस्तों ये है हमारा चांद। अब यार इसमें क्या खास है, इसे तो हम रोज देखते हैं रात के आसमान में, राइट? वेल हाँ, अब इसे देखो, ये है मून की फार साइड की फोटो जिसे साल 2011 में नासा के LRO स्पेस प्रोब ने लिया था। अब ये वाली साइड मून की नियर साइड से काफी ज्यादा ही अलग दिख रही है, और ऐसा लगता ही नहीं कि चांद पीछे साइड से कुछ ऐसा दिखता होगा। दोस्तों हमारी धरती और चांद ग्रेविटेशनली लॉक्ड है, जिसके कारण धरती पर रहने वाले हम इंसान हमेशा इसकी एक ही साइड को देख पाते हैं। अब साल 1959 को सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेस प्रोब ने पहली बार चांद की फार साइड की फोटोग्राफ ली थी। नाउ जस्ट इमेजिन कि इससे पहले हम हजारों सालों से मून की सिर्फ एक ही साइड को देख पा रहे थे, और वही हमारे लिए पूरा का पूरा चांद हुआ करता था। अब लूना 3 ने मून की फार साइड को तो डिस्कवर किया, पर साथ में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया, और वो सवाल था कि आखिर मून की नियर और फार साइड में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। अब आप खुद ही देखो और मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है, और अगर नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास में हुई उस घटना के बारे में जानेंगे जिसने आज के चांद की सरफेस को शेप दिया था, और जानेंगे इस सवाल के जवाब को कि आखिर चांद का नियर साइड और फार साइड इतना डिफरेंट क्यों है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलो आज चलते हैं मून के सैर पर। दोस्तों जब हम चांद के नियर साइड को देखते हैं तो इस पर काफी सारे डार्क स्पॉट्स हमें नजर आती है। वो कहते हैं ना कि चांद पर भी दाग है, और ये दाग वाला कॉन्सेप्ट इसी डार्क स्पॉट से ही आया है। अब दोस्तों इन्हीं डार्क स्पॉट्स को लूनार मेयर्स कहते हैं। दरअसल प्राचीन समय में चांद पर मैग्मा की नदियां बहा करती थी, जो कि इस पर होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटीज का नतीजा था। लेकिन अब जब मून पहले की तरह जियोलॉजिकली एक्टिव नहीं रह गया है, तो इन जगहों पर डार्क बेसाल्टिक प्लेन्स बन गए हैं। अब इंटरेस्टिंगली जब हम चांद की फार साइड पर नजर डालते हैं तो हमें ये लूनार मेयर्स बहुत ही कम नजर आते हैं। मून के नियर साइड पर क्रेटर्स काफी कम है, लेकिन फार साइड पर इनका नंबर कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है। मतलब ऐसा लगता है कि एक साइड पर एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स काफी ज्यादा हुए हैं और दूसरी साइड पर बहुत ही कम, राइट? पर मून की फार साइड, जिसे हम डार्क साइड भी कहते हैं, वो रियलिटी में नियर साइड के कंपैरिजन में ज्यादा चमकदार नजर आती है। मतलब इन दोनों साइड्स के बीच डिफरेंसेस काफी नोटिसेबल है। अब यहाँ आप कहोगे कि भाई जरा धरती पर भी एक नजर डाल लो। अब इसके भी एक तरफ में हमें बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं और ओशियंस काफी कम है, और दूसरी तरफ से देखने पर ओशियन ही ओशियन भरा हुआ है। तो भाई फिर मून के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसके दोनों साइड्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? वेल दोस्तों इसका रीजन ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में इस तरह के डिफरेंसेस किसी भी दूसरे चांद में देखने को नहीं मिलते। जुपिटर और सैटर्न के मून्स जैसे कि आयो, टाइटन, कैलिस्टो, यूरोपा हर एंगल से देखने में लगभग सेम ही लगते हैं। अब इन मून्स में भी अपनी अपनी मिस्ट्रीज छिपी हुई है, पर हमारे चांद की तरह सरफेस में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हमारे धरती के चांद की दोनों साइड सिर्फ दिखने में ही अलग अलग नहीं है, बल्कि अपोलो मिशन से हम इंसानों ने जो मून रॉक्स लेकर आए थे उनसे पता चलता है कि इन दोनों साइड्स की सरफेस की कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब अपोलो मिशंस के दौरान ही एस्ट्रोनॉट्स को मून पे एक बहुत ही खास रॉक मिला था, एक ऐसा रॉक जिसे नाम दिया गया द जेनेसिस रॉक। अब इस रॉक में एक रहस्य छुपा हुआ था जिसने चांद के बारे में कुछ बहुत बड़ी राज खोली थी। दोस्तों बिल केसिंग नाम का एक व्यक्ति था जो रॉकेटडाइन नाम के एक कंपनी में काम करता था। रॉकेटडाइन वही कंपनी थी जिसने सैटर्न 5 रॉकेट बनाने में नासा की मदद की थी, जो कि नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता था, और जिसकी मदद से नासा ने अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजा था। बट बिल केसिंग ने उस कंपनी में काम करते वक्त कुछ देखा, जिसके बाद उसने एक टेम्पलेट पब्लिश की जिसमें उसने लिखा था वी नेवर वेंट टू द मून। अब सवाल यह है कि बिल केसिंग ने ऐसा क्यों किया, उसने क्या देख लिया था, और आखिर क्या सच में हम मून पर गए भी थे? पहले से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक को जरूर सुनना, नील आर्मस्ट्रांग द मून वॉक इन हिंदी। दोस्तों कुकू एफएम पे 50% का स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए यूज करें कूपन कोड ATV। बाकी जानकारी वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। अब जरा इसे देखिए, ये मून की दोनों साइड्स का थोरियम कंसंट्रेशन मैप है। इसे साल 1998 में लॉन्च हुए नासा के लूनार प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट से ऑब्टेन किया गया था। अब इस मिशन के तहत मून पर प्रेजेंट अलग अलग एलिमेंट की मैपिंग की गई थी,
इस मैप में हमें नियर साइड पर एक बड़ा सा स्पॉट दिख रहा है और फार साइड पर यह स्पॉट काफी छोटा सा है। अब दोस्तों इन जगहों पर थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स भी दिख रहे होंगे जो पोटेशियम, फास्फोरस, रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरे मेटल्स की हाई कंसंट्रेशन को शो करती है। अब दोस्तों इन एरियाज को क्रीप के नाम से जाना जाता है। विकिपीडिया के इस आर्टिकल के अनुसार क्रीप में के का मतलब है पोटेशियम, री का मतलब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और पी का मतलब है फास्फोरस। अब अगर आप यहाँ जरा सा गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्रीप की लोकेशन भी लगभग वही है जो कि लूनार मेयर्स की लोकेशन है। इनफैक्ट साइंटिस्ट का मानना है कि थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण ही मून पर आज से करोड़ों साल पहले एक्सट्रीम वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो लूनार मेयर्स और क्रीप आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर एक साइड पर थोरियम इतना ज्यादा और दूसरी साइड में इतना कम क्यों है? वेल, ये चीज भी दोनों साइड्स की सरफेस को डिफरेंट बनाती है। अब दोस्तों अब आप ये तो जान चुके हैं कि मून की नियर साइड पर जो क्रीप है वो लूनार मेयर की लोकेशन पर मौजूद है, लेकिन क्या फार साइड के क्रीप पर भी लूनार मेयर है? अब अगर आप गौर से देखोगे तो फार साइड पर जहां क्रीप मौजूद है वहां पर भी हमें थोड़ा डार्किश एरिया देखने को मिलता है, लेकिन ये लूनार मेयर नहीं है बल्कि इस एरिया में साउथ पोल एटिकन बेसिन है जो कि मून पर मौजूद सबसे विशालकाय इंपैक्ट क्रेटर है। यह क्रेटर 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये करीब 8 किलोमीटर गहरा है। अब इसके अराउंड जो माउंटेन्स है वो भी करीब 8 किलोमीटर हाइट के हैं और मून की सरफेस पर मौजूद हाईएस्ट माउंटेन्स है। इन माउंटेन्स को हम लियेबनिट्ज माउंटेन्स कहते हैं। मून की फार साइड पर मौजूद क्रीप और साउथ पोल एटकन बेसिन की लोकेशन बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों हाल ही में की गई एक स्टडी में यह सामने आया था कि मून की फार साइड और नियर साइड पर मौजूद क्रीप्स और लूनार मेयर सभी का कनेक्शन एक ही इवेंट से है जो कि आज से करोड़ों साल पहले हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 420 करोड़ साल पहले हमारे मून से एक विशालकाय एस्ट्रॉइड टकराया था। अब इस एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट पॉइंट पर साउथ पोल एटिकन बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो कितना विशालकाय एस्ट्रॉइड रहा होगा जिसने मून के सबसे बड़े इंपैक्ट क्रेटर को बनाया होगा। इस एस्ट्रॉइड की एग्जैक्ट साइज क्या थी और ये कहां से आया था इसके बारे में तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मून की सरफेस पर हमें आज जो डिफरेंस दिखता है उसका रीजन यही एक एस्ट्रॉइड इंपैक्ट था। दोस्तों जब ये एस्ट्रॉइड मून की सरफेस से टकराया तो इसने मून की सारी इंटरनल लेयर्स को हिला कर रख दिया। अब इतने बड़े इंपैक्ट क्रेटर को बनाने वाले एस्ट्रॉइड ने मून की क्रस्ट और मेंटल को लिटरली मोल्टेन स्टेज में पहुंचा दिया होगा। और भाई कोर तो वैसे ही ऑलमोस्ट मोल्टेन ही होता है। अब इस एक्सट्रीमली पावरफुल इंपैक्ट के कारण मून के इंटरनल लेयर्स में मौजूद मेटल्स जैसे कि थोरियम, पोटेशियम, फास्फोरस और दूसरे रेयर अर्थ मेटल्स ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया और ये सरफेस के करीब आ गए। अब जरा इस इंपैक्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। साउथ पोल एटिकन बेसिन की ओर से अगर कोई एस्ट्रॉइड मून से टकराएगा तो उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? वेल, वो होगी मून की नियर साइड की वो सरफेस जहां पर लूनार मेयर्स मौजूद है और जहां पर हमें क्रीप देखने को मिलता है। नाउ मून की इंटरनल लेयर से मेटल शिफ्ट करते हुए नियर साइड की ओर जाते हैं और वहां पर इनका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है और इस तरह हमें नियर साइड पर क्रीप सरफेस देखने को मिलती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ जब एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट हुआ और क्रेटर बना तो इसने मून की फार साइड पर भी बड़ा होल कर दिया जिसने इसके अंदर मौजूद क्रीप मटेरियल्स को एक्सपोज कर दिया। अब दोस्तों आप इस एस्ट्रॉइड इंपैक्ट का लूनार मेयर्स के फॉर्मेशन से कनेक्शन को समझो। जब एस्ट्रॉइड इंपैक्ट होता है और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव मेटल्स नियर साइड की ओर शिफ्ट करते हैं तो रेडिएशन के कारण वहां की सरफेस एक्स्ट्रा हीट को रिसीव करती है जो मून के इंटरनल लेयर्स में जियोलॉजिकल एक्टिविटी को तेज कर देता है। अब इससे मून के वॉल्केनोज मैग्मा को तेजी से निकालते हैं और मून की नियर साइड पर मैग्मा की नदियां बहने लगती है और बस इस तरह लूनार मेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि एस्ट्रॉइड इंपैक्ट फार साइड पर हुआ था तो इसका खामियाजा नियर साइड को उठाना पड़ा और उसमें कई चेंजेस दिखाई देने लगे। अब अगर ये नियर साइड पर हुआ होता तो यही सेम कंडीशन फार साइड पर होती। वैसे दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक थियरी है और वैज्ञानिकों ने इसे कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से अज्यूम किया है,
इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसके प्रैक्टिकल प्रूफ खोजने होंगे। दोस्तों 3 जनवरी साल 2019 को चाइना का चैंगी 4 लैंडर साउथ पोल एटिकन बेसिन में ही उतरा था और इसका मकसद इस एरिया में एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के सबूतों को जमा करना ही था। नाउ होपफुली आने वाले दिनों में हमें इस मिशन की मदद से मून की फार साइड और क्रीप की फॉर्मेशन के एडिशनल प्रूफ्स भी मिल पाएंगे। अब दोस्तों जब भी मैं अपने वीडियोस में धरती और मून के ग्रेविटेशनल लॉक्ड होने के बारे में बताता हूँ तो आप लोगों का सवाल होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये दोनों ग्रेविटेशनली लॉक्ड हो गए थे। वेल, इसका जवाब इतिहास में हुए किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में नहीं बल्कि मून की मूवमेंट में ही छिपा हुआ है। दोस्तों हमारा मून धरती के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, मतलब यहाँ दो प्रकार के मूवमेंट्स हो रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल पीरियड और अपने पार्टनर के अराउंड ऑर्बिटल पीरियड सेम हो जाता है तो वो उसके साथ ग्रेविटेशनली लॉक्ड हो जाता है और इसी फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है, जिसमें टाइडली बाउंड बॉडी का एक फेस हमेशा उसके पार्टनर की तरफ ही होती है। अब प्लूटो और उसके मून सैरोन के साथ भी सेम केस है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी टाइडली लॉक्ड है और ये हमारी धरती और मून से भी एक स्टेप आगे वाली टाइडली लॉक्ड है। दरअसल प्लूटो और सैरोन में साइज का कुछ खासा डिफरेंस तो नहीं है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पर लगभग बराबर का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालते हैं एंड फॉर दैट रीजन ये एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड है। जबकि धरती और मून की कंडीशन में मून धरती से टाइडली लॉक्ड है, मतलब अगर आप शैरोन की सरफेस में खड़े हो तो आपको प्लूटो का एक ही फेस देखने को मिलेगा और अगर आप प्लूटो पे खड़े हो तो आपको शैरोन का एक ही फेस देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भी अंतरिक्ष टीवी से टाइडली लॉक्ड रहना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते रहते हैं। अब दोस्तों अपोलो मिशन धोखा थी या सच्चाई, ये जानने के लिए और बिल केसिंग की कहानी को जानने के लिए आप नील आर्मस्ट्रांग द मून वॉक इन हिंदी ऑडियो बुक जरूर सुनना कुकू FM ऐप पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग और 10,000 प्लस आवर्स की ऑडियो शो लाइब्रेरी के साथ कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको नॉन फिक्शन कंटेंट की ह्यूज लाइब्रेरी मिल जाती है एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करके हमारा प्रोमो कोड ATV यूज करने पर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब आपको 399 नहीं केवल 199 रुपए लगेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड कुकू FM नाउ। ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।